Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing acid, base and salt. This is a topic of class 10th, but very, very useful for general science. So let us discuss what is the use of acids today. Because in the previous lecture, we had discussed about what is the acid, what are the type of acids. And in this lecture, we will discuss about the use of acids and precautions, how to handle the acids and use the acids as well. So, आज की क्लास में हम यही बात करते हैं पहले कि यूज ऑफ एसिड्स क्या है. ये दूसरी लेक्चर है. आई होप आपने पहली लेक्चर जरूर देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें. ये हमारी गुजारिश है. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूज ऑफ एसिड्स क्या है. व्हाट आर द यूज ऑफ एसिड्स. यूज ऑफ एसिड्स, तो एसिड जो है वो सारे यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है. मिसयूज के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मिसयूज अब बहुत है. यूज जो है वो भी बहुत है, बट पहले यूज के बारे में पढ़ते हैं. मिसयूज तो एक कॉमन चीज है जो कि आप जैसे चाहे वैसे मिसयूज कर सकते हैं. बट व्हाट आर द यूज ऑफ एसिड्स. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स आर देयर एंड वी विल राइट द यूज ऑफ ईच एंड एवरी वन वन बाई वन. सो व्हाट आर दोज यूज. फर्स्ट लेट मी राइट हियर दैट यूज ऑफ एसिड. फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज से बोरिक एसिड. बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज समथिंग यू हैव हर्ड अबाउट द बोरोलिन. व्हाट इज द बोरोलिन एंड व्हाट इज यूज फॉर. बोरोलिन इज समथिंग व्हिच इज एंटीसेप्टिक क्रीम एंड दैट इज यूज फॉर प्रिक्यूशन ऑफ एनी इन्फेक्शन एंड एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक मीन्स बाहर से कोई इन्फेक्शन उसमें ना लगे. ऐसी क्रीम जो बाहर से किसी फंगस और बैक्टीरिया को ना जाने दे, उसको मार डाले. तो उसमें कुछ नहीं होता. बोरोलिन उसका नाम रखा है, बट उसमें होता बोरिक एसिड ही है. तो बोरिक एसिड यूज एज एंटीसेप्टिक. बोरिक एसिड यूज एज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक एज एंटीसेप्टिक. बोरिक एसिड्स आर यूज एज एंटीसेप्टिक. ठीक है. ऑल्सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड यूज इन आई वॉश. आई वॉश, यू नो. सो आई ड्रॉप्स एंड आई वॉश बेसिकली मेड वेयर बोरिक एसिड आर यूज सो दैट इट कैन बी was the eye and prevent from any fungus, bacteria or external factors, vectors. So दूसरा चीज क्या होता है. दूसरा जो है vinegars. vinegars का नाम और है acetic acid. acetic acid को हम vinegar कहते हैं. acetic acid को हम कहते हैं vinegar. ये किस लिए होता है. ये acetic acid जो होता है ये used to preserve. used to preserve pickles for longer period of time. ठीक है. It is also used for preservation of Chinese food, right? तो ये है vinegars, जिसको हम कहते हैं acetic acid. Vinegar is nothing else but acetic acid, right? तो इसको हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए. जो तीसरा है, अगर हम बात करें तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. और सिमिलरली सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन कोल्ड ड्रिंक्स.
इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है, इसलिए ताकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो लंबे समय तक उसमें कोई फंगस बैक्टीरिया या कोई और वेक्टर इसमें ना आए, राइट ना। तो ये सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है इसके लिए, राइट, सोडियम बेंजोएट, ताकि कोल्ड ड्रिंक्स लंबे समय तक रहे। अगर ऐसा ना हो तो किसी ऐसे नॉर्मल वाटर में अगर बहुत दिनों तक रख दिया जाए तो उसमें क्या होते हैं, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर में तो बहुत सारे अगर खुले हो तो उसमें आप देख ही रहे हैं कि डेंगू के मच्छर जो होते हैं, मलेरिया के मच्छर होते हैं, ये सारे जो मस्कीटो जो होते हैं, ये सारे के सारे वाटर में ही डेवलप होते हैं। तो इस तरह से सोडियम बेंजोएट, लेकिन सोडियम बेंजोएट में इसके अलावा एक और एसिड होती है, वो होती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड रहती है, ये यूज होता है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में भी रहता है, सोडियम बेंजोएट भी रहता है और कार्बोनिक एसिड भी रहता है। तो ये दो चीजें जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, क्या क्या, सोडियम बेंजोएट और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी प्रिजर्व, प्रिवेंट एस्कर्वी, प्रिवेंट एस्कर्वी डिजीज, एस्कर्वी डिजीज, एस्कर्वी डिजीज। एंड विटामिन सी कंटेन्स, विटामिन सी इज नथिंग एल्स बट एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स इन, इन ऑरेंज, ऑरेंज, आमला, लेमन एटसेट्रा। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली जो है इसका यूज है, कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है मिलता किसमें है, ऑरेंज, आमला एंड लेमन, इन सब में मिलता है, और इसका यूज करने से एस्कर्वी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड यूज टू, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यूज टू रिमूव, यूज टू रिमूव स्टेन ऑफ इंक एंड रस्ट, स्टेन ऑफ रस्ट। सो ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड, more importantly one of the acid that is of when we eat something then our in our stomach hydrochloric acid released by hydrochloric acid HCl released by different or released by pancreas in fact, so that hydrochloric acid will be helpful in digestion of food and kill the bacteria which will come from the external environment along with the food. So HCl released in a stomach, in a stomach
stomach. HCl release in stomach. Use help the digestion of food. Digestion of food and kill the harmful bacteria. Harmful bacteria comes along with food. So HCl, hydrochloric acid, is used. This is hydrochloric acid. It makes the food item more acidic. It makes food items and medium more acidic. Which will split the food items into a small units, so that it will helpful in digestion. So these are few use of acids that you can memorize and that can you remember, because it is helpful in our everyday life, right? So precautions while handling the acid, that you need to all. What is precautions while handling the acid? You know, acid is very sensitive to acids are very sensitive to all living beings, you know, very sensitive. Concentrated acids are very dangerous, right? So it must be handled carefully while using it, right? What are the precautions? So following are the precautions that one should take care of. First, never try to touch or test the acid. Acid ko kabhi bhi chakhne ki koshish na kare, kabhi test na kare, touch na kare, theek hai na? And dusra, while using in laboratory, laboratory, use goggles to protect eye, right? Third thing is, use lab coats to protect costly cloth from burning of acid, burning by acids, right? Then next thing is fourth. What is the fourth thing which you need to do? Acid must be added to water slowly with constant stirring. Slowly
with constant stirring, right? And last point is concentrated dead seed never to be added with water directly. Concentrated acid, this is for dilute acid, but concentrated acid, last point is concentrated acid never to mix with water directly. Mix water directly. It may break the container, glass container and splash out. Container and splash out and burn the skin, right? So what is that? That it should never be mixed randomly with water. पानी को धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिलाना चाहिए और उसको स्टेयर करते रहना चाहिए, ठीक है? बट एसिड को एकाएक नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो ग्लास कंटेनर होता है, जो फ्लास्क होता है, वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि उसमें से या हो सकता है कि उसमें से स्प्लैश आउट कर जाए, एक बड़ा सा बाहर निकल के आए उसका पोर्शन और किसी जो सामने रखा हो किसका चेहरा वगैरह जल जाए। अब इसका मिसयूज क्या है? मिसयूज एसिड का बहुत है। आजकल देख रहे हैं कि लोग इसको क्या कर रहे हैं, एसिड को मिसयूज कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, चेहरा जल जाता है, जो बड़ा इनह्यूमन है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे मिसयूज हैं जो कि एसिड के किए जा सकते हैं। एसिड के यूज करके बम बनाए जा सकते हैं, एसिड का यूज करके केमिकल वेपन बनाया जा सकता है। तो एसिड जो है वो उसके मिसयूज है, बट मिसयूज आपको नहीं पढ़ना है, आपको जानना है कि एसिड के क्या क्या यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एसिड के यूज और मिसयूज हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बेस। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बात करते हैं कि बेस क्या है, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज बेसिस दैट यू नीड टू स्टडी नाउ। सो इसके पहले कि बेस हम शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि आपको एसिड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हालांकि एसिड के बारे में थोड़ी और बात होगी कि कैसे पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है, ये बात। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ी बेस की बात कर लें, तो दोनों चीजों से पहले जान पहचान हो जाए, फिर हम उसके बारे में आगे डिटेल सीखेंगे कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स so that acid and base get differentiated from each other. So let us learn first what is the base. So base क्या होता है? ये सबसे पहले सीखते हैं कि base होता क्या है। अब जैसे acid के बारे में कहा था कि जिसका taste sour हो और जो blue litmus को red कर दे और जो क्या करे कि aqueous solution में hydrogen ion furnish करे, तो उसको हम कहते हैं acid। उसी तरह से base के बारे में भी character है। बेस वो होता है जिसका बीटर टेस्ट हो, उसका सावर टेस्ट था, इसका टेस्ट कैसा है? बीटर टेस्ट है। जो छूने में सोपी हो यानी मुलायम हो, इस तरह का। और दूसरा क्या कि जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? बेस है। और ये क्या करता है? वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये सारी करेक्टर हो गई जिसके आधार पे हम किसी सॉल्यूशन को बता देंगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस, लिखते हैं, ठीक है ना? बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैज बीटर टेस्ट soapy touch and furnace OH ion,
that is hydroxide ion. Hydroxide ion in aqueous solution right, called base. Also, it turns red litmus blue. रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर देता है. तो ये होता है बेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट सम एग्जाम्पल. CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है. तो ये सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है. क्योंकि अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में करें तो क्या मिलेगा, CaOH2 जो है वो मिलेगा Ca और OH आयन देगा. CaOH2 को अगर एक्वस सॉल्यूशन में करें तो कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, राइट ना. सो ये दो तरह से मिलेंगे, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड. उसी तरह से मैग्नीशियम को अगर करें तो ये भी क्या होगा कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे भी मिलेगा. दो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, एक MgO ब्रेक होगा. तो एक मैग्नीशियम और दो हाइड्रोक्साइड. दो प्लस साइन इसलिए दिया है बच्चों ताकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो दो होती है. दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोक्साइड आयन गेन करता है. तो दो हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इस तरीके से ये आयनाइज्ड हो जाता है और इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, और ये रेड लिटमस को क्या करता है, ये ब्लू कर देता है. रेड को ब्लू कर देता है. वो क्या करता था, एसिड ब्लू को रेड कर देता था. तो इस तरीके से हम हाइड्रोक्साइड आयन, यह बेस के बारे में, जो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता हो बेस है, जो हाइड्रोजन आयन फर्निश करता हो वो एसिड है. नाउ टाइप्स ऑफ बेसिज, बेस के कितने टाइप होते हैं. तो बेस भी दो तरह के होते हैं. एसिड की तरह इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन तो नहीं है, इसमें दो ही तरह की क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, दोज केमिकल सब्सटेंस, व्हिच आयोनाइज completely and furnish hydroxide ion in aqueous solution, that is called a strong base. ये completely ionized हो जाता है. तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस, व्हिच आयोनाइज पार्शियली, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं एंड फर्नेस ओएच आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो ओएच आयन्स जो पार्शियली फर्नेस करता है उसको हम कहेंगे वीक बेस और इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है. NaOH को अगर हम H2O वाटर के साथ एक सॉल्यूशन में अगर इसे करें तो ये क्या मिलेगा, इसमें जो होगा Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जाएगा.
इसी तरह से KOH को अगर H2O में ये पोटास होता है, कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी K प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके वो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो वीक क्या है, वीक के बारे में ये कह सकते हैं कि जो वीक बेस है वो है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है वीक बेस। ये NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक तो होता है बट पार्शियली। CaOH2 ये भी वीक बेस है, इसमें कैल्शियम प्लस और OH माइनस, तो ये वीक बेस है, इनको वीक बेस कहेंगे और इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, कि एक है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस। तो अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके रिएक्शंस क्या है, ये भी तो जाने, इनके रिएक्शंस क्या क्या है और कैसे है, ठीक है ना। सो इनके रिएक्शंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनके रिएक्शंस कैसे, ठीक, इनके रिएक्शंस कैसे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसा हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, वैसा ही यहाँ पे है ऑफ एसिड, वैसे ही यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन क्या बेस मेटल से रिएक्शन करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं एक्टिव मेटल्स की बात करी है, तो एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होंगे, जैसे जिंक की बात कर ले, जिंक एक्टिव होता है, जिंक में अगर NaOH की हम बात करें, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस, और प्लस H2O भी मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा, ठीक है, बिना पानी के भी ये हो सकता है, तो ये मिलेगा सोडियम जिंकेट NaZO2, ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लीच होगी, ये हाइड्रोजन गैस लीच होगी, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसका पूरा नाम है सोडियम जिंकेट, ये बनता है। इसी तरह से अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम को रिएक्शन करवाएं, एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2, यहाँ पे वाटर भी डाल दिया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा सोडियम AlO2, ठीक है, सोडियम Na2AlO2 प्लस H2, इनको बैलेंस करेंगे, ये क्या कहेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा सोडियम मेटा लुमिनेट, लुमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं इसको, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए ZN एक ही है, सोडियम एक ही है, O2 दो है ऑक्सीजन, सो व्हाट विल हैपन, दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन भी चाहिए, तो बेहतर है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सोडियम 2 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सोडियम 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 4। सो व्हाट टू डू, सॉरी यहाँ पे ये Na2 होता है, ये लिख देता हूँ Na2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इसकी भी 2 होती है, ठीक है ना, इसकी 2 होती है, तो ये इसकी एक होती है, तो इसलिए दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सोडियम 2 हो गए,
सोडियम दो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, जिंक एक हो गया, हो गया, ये बैलेंस हो गए। और यहाँ पे भी इसी तरह से सोडियम दो चाहिए तो हम दो सोडियम का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्युमिनियम अब एक है तो यहाँ एक एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन यहाँ दो और यहाँ से एक तीन है, तो ऑक्सीजन तीन है, यानी दो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से दो और दो चार हाइड्रोजन है, तो बेहतर होगा कि यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हाइड्रोजन फोर। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, बेस इज रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, हाउ, लेट अस एक्सप्लेन दिस। सो रिएक्शन विथ, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, व्हाट इज दिस, बेसेज रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एक्सप्लेन दिस, CO2 प्लस CaOH2 that will produce CaCO3 plus H2, right? CaOH2 that is calcium hydroxide, calcium hydroxide, hydroxide. This is the base, basically this is the base, right? And this is a non-metallic oxide, carbon dioxide. Dioxide. This is non-metallic oxide or called acidic oxide. Non-metallic oxide. This is non-metallic oxide. Right? Non-metallic oxide. And what they produce is? They produce is calcium carbonate. Calcium carbonate. Carbonate that is salt, salt, and this is water. So non-metallic oxide react with this and produce salt and water. So how many oxygens are there? Three oxygen, calcium is one both the sides, carbon is one both the sides, oxygen is two and two four, so three oxygen here, one oxygen there, four, hydrogen two, hydrogen two, so they are already balanced. So this is one which can be explained, that reaction with non-metallic oxide, and this reaction proved that this non-metallic oxides are acidic in nature, because acid and basic react together, they form salt and water, because they form salt and water, and therefore because this is a base, so this must be acid, so therefore we can say non-metallic oxides. Conclusion with this reaction is that non-metallic oxides, metallic oxides are acidic in nature, acidic in nature. ये निकल के आया। आगे आप पढ़ेंगे कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कुछ। सो रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, अब वो भी कर ही लेता हूँ, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टुगेदर, एसिड एंड बेस क्या होता है? सो एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl that will produce NaCl2
right? NaCl, NaCl, sorry. NaCl plus H2, right ना? NaCl, Na सोडियम की वैलेंस बन होती है, क्लोरीन की बन होती है, तो NaCl एंड H2O, that is two hydrogen and one oxygen. So this is already valence. This is salt. Sorry for writing this NaCl. NaCl, that is sodium chloride. Sodium chloride. What is this? This is a salt. This is basically salt. ये है salt. And ये है water. Right? And there is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Chloric acid. So this is acid. Right? And this one is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Hydroxide. That is base. So here, base and acid react together. This react together and produce this salt and water. So acid and base react together to form salt and water. Now, what happen in this way during this reaction? In this reaction, acid neutralize the base and vice versa. And the process is called during this reaction, acid neutralize base and vice versa, right? So the process, the method is called neutralization, and therefore this process is called neutralization. This process is called neutralization. This process is called neutralization. So neutralization is a process in which acid and base, what do? They neutralize each other. कैसे होता है? Strong acid, strong base neutralize कर सकते हैं. Acid और base की pH पे ही defined होता है कि कौन सा acidic है, कौन सा basic है. तो जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि जिसका पीएच 7 हो, तो पीएचओ स्केल है, आगे अभी बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना बता दूं कि पीएचओ स्केल है, अगर 7 है तो ये क्या है, पीएच 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज है, राइट? और अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, इधर की ओर जाकर के एसिडिक होगा, लेस देन 7 एसिडिक, और इधर जाकर के अगर 7 से ज्यादा है तो होता है बेसिक. इसकी रेंज 0 से लेके 14 के बीच में होती है. तो अगर -7 इधर 7 से कम है 0 और इधर 14 है, तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 7, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. यानी जितना कम है इधर उतना ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और ये लेस देन, इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अगर लेस देन, कोई सॉल्यूशन की पीएच जो लेस देन 7 है, लेस देन 7 pH is less than 7, then it is called acidic. Acidic. pH is equal to 7, then it is called neutral. Neutral. And pH is more than 7, then it is called basic. Basic. So pH ka range, the range of pH is between 0 to 14, 14 होता है. अगर 0 जिसका होगा pH, वो ज्यादा acidic होगा, strong acidic. If the value of pH is, if pH is 0, it is strong acidic, strong acid. If pH is maximum 14, it is a strong base कहलाता है. For example, NaOH का होता है, इसका pH होता है 14, इसका pH होता है 14, pH is 14, right ना?
तो इस तरीके से आप पीएच के आधार पर पीएच क्या हुआ, ये एक इंडिकेटर है. सो पीएच इज नथिंग एल्स बट इंडिकेटर, इंडिकेटर हुआ जो इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. ठीक है ना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो होता है वो होता है 0, तो इसका पीएच होता है वो होता है 0. ठीक है. सो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. और दोनों आपने पिछले स्लाइड में देखा कि दोनों रिएक्शन किया, एक का है 0, इसका पीएच है 0, इसका पीएच है 14, तो ये दोनों मिल करके जो सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और बन गया क्या, सॉल्ट. दैट इज न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज प्रोसेस हुआ. और 0 और 7 मिल करके क्या, 14 मिल करके क्या हो गया, एक ऐसा सब्सटेंस बना जिसकी पीएच 7 है. अगर पीएच 7 से जरा भी कम हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ले वीक बेस है, तो सब्सटेंस जो बनेगा उसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, तो उसको हम कहेंगे मोर एसिडिक. और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे मोर बेसिक. तो इस बात को भी लिखी देता हूं, है ना. सो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस, तो सॉल्यूशन जो बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा एसिडिक बिहेवियर का होगा, एसिडिक. अगर ये जो है ये है वीक, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सब्सटेंस बनेगा आउटपुट जो होगा वो बेसिक बिहेवियर का होगा, बेसिक होगा, बेसिक सब्सटेंस होगा. और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो आउटपुट होगा वो होगा न्यूट्रल. ठीक है. जैसा कि पिछले एग्जाम में हमने दिया था एग्जाम्पल में कि हमने NaOH और HCl दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों को रिएक्ट किया तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O. ठीक है. तो इस तरीके से ये हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. जो ज्यादा होंगे उनकी तरफ बिहेवियर उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, डोमिनेट करेगा. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो एसिडिक होगा क्योंकि एसिड की डोमिनेशन होगी, और अगर वीक एसिड होगी तो वीक का स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड का डोमिनेशन होगा, अगर वीक एसिड होगा तो बेस का डोमिनेशन होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो दोनों की बात होगी. ठीक है. दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज कर लेंगे. तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और इसको समझना है. ठीक है. ये तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है, ये आप इसे याद रखें. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब अगली क्लास में हम फिर और कुछ डिटेल बात करेंगे पीएच इंडिकेटर के बारे में, और इसके अलावा कुछ और भी सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, फिनोल्फथालीन होती है, तो उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे. आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है. तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, और इस चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार यूं ही हम पर लुटाते रहे. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस.